भरतपुर में बीजेपी का महामंथन, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, कई दिग्गज भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। कल हुई बीजेपी के अग्रिम मोर्चों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्रिम मोर्चों को जीत का मंत्र दिया। प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज फिर जो है भरतपुर में बीजेपी का महामंथन है, क्योंकि दो दिवसीय भरतपुर दौरे पर है सतीश पूनिया। तो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, कई दिग्गज भाजपा नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी के अग्रिम मोर्चों की बैठक हुई थी, जोश उनमें भरा गया था। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्रिम मोर्चों को जीत का मंत्र दिया था। और हमारे साथ भरतपुर से रवि कटारा जुड़ गए हैं। रवि, तो आज बैठक होनी है और ये महत्वपूर्ण मंथन कहा जा सकता है, क्योंकि दो दिन से सतीश पूनिया भरतपुर में है, तो जीत का मंत्र जो है वो अग्रिम मोर्चों को दिया जा रहा है, वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। देखिए बेटा, कल जो बैठक हुई अग्रिम मोर्चों की, उसमें साफ तौर पर जो बूथ लेवल है उसको कैसे मजबूत किया जाए, सतीश जो पूनिया उन्होंने ये मंत्र दिया और साथ में चंद्रशेखर जो थे संगठन महामंत्री वो भी मौजूद रहे, क्योंकि बूथ पर भरतपुर संभाग की अगर बात की जाए तो बूथ पर भाजपा कमजोर नजर आई थी, क्योंकि जब बूथ मजबूत होगा तो जो उनके चुनाव है, जो मॉनिटरिंग होती चुनाव की, वो अच्छी हो सके। इसको लेकर सतीश पूनिया ने कल जीत का मंत्र दिया है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रियों का भी प्रोग्राम बताया जा रहा है, जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनका भी करीब 12-1 बजे करीब भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और आज जो मिशन 2023 है उसकी आज नींव रखी जाएगी, जो तमाम बीजेपी के राजस्थान के जो दिग्गज हैं वो एक मंच पर मौजूद रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि आगामी जो 2023 के चुनाव होने हैं वो बूथ लेवल कैसे मजबूत करें। अग्रिम मोर्चों के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको टास्क दिया गया है कि प्रदेश के से लेकर इकाई जो ग्रामीण इकाई होती है वहां जाएं और अपने बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको मजबूत करें, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उनको ताकत मिल सके। क्योंकि भरतपुर जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, लगातार पूरी राजस्थान में भाजपा मजबूत थी, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो गढ़ था वो सुपर साफ हो गया था, कांग्रेस बड़ी जीत यहां मिली थी। हालांकि सिर्फ भरतपुर संभाग की 19 सीटों पर सिर्फ एक सीट थी जिस पर धौलपुर में भाजपा जीती थी। बिल्कुल। और रवि देखिए, क्योंकि जिस तरह से आज कार्य समिति की बैठक है, तो कार्यक्रम जो है कब से शुरू होना है, आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं या अरुण सिंह यहां पहुंच सकते हैं, तो उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? और साथ ही साथ आज फिर क्या सतीश पूनिया जयपुर लौट आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, अभी जो कार्यक्रम बताया जा रहा है सतीश पूनिया का, वो अभी गिरिराज जी जाएंगे, अभी अनुसंधान केंद्र है सरसों अनुसंधान से, तो वहाँ वो रुके हुए, रात को वहाँ रुके थे, जिसके बाद आज सुबह अब गिरिराज जी के दर्शन करने वो जाएंगे। उनके साथ भाजपा के जो संगठन के पदाधिकारी है वो भी साथ मौजूद रहेंगे। भजनलाल शर्मा की बात की जाए, महामंत्री जो है सुशील कटारा उनकी बात की जाए, तमाम वो भाजपा के जो संगठन के नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि 12-1 बजे करीब जो कार्य समिति की बैठक होगी उसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बाई रोड भरतपुर पहुंचेंगे, जहां वो इस बैठक में भाग लेंगे राजगार्डन में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अभी, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।